ऋषभ पंत कर रहे हैं भारतीय टीम में आने की पूरी तरीके से तैयारी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल आप जानते हैं ऋषभ पंत का 30 दिसंबर साल 2022 को रोड एक्सीडेंट हो गया था, जब वो दिल्ली से रुड़की की ओर, यानी दिल्ली से अपने घर रुड़की की ओर जा रहे थे। उनकी कार जो है डिवाइडर से टकरा गई थी उत्तराखंड हाईवे पर, और तब से अभी तक ऋषभ पंत क्रिकेट के मैदान से दूर चल रहे हैं। फैंस को, दर्शकों को, उनके समर्थकों को, सपोर्टर्स को, सभी को ऋषभ पंत की वापसी का इंतजार है कि कब ऋषभ पंत वापसी करेंगे क्रिकेट के मैदान पर। और आपको याद होगा कि ऋषभ पंत अपनी हेल्थ अपडेट्स देते रहते हैं। कभी स्विमिंग पूल में उनको चलने का उनका वीडियो आता है बिना बैसाखी के, कभी उनका एक्सरसाइज करते हुए वीडियो वो साझा करते हैं अपने फैंस के लिए, और कभी उनका वीडियो शेयर होता है जिसमें वो टेबल टेनिस खेलते हुए नजर आते हैं। बेसिकली फैंस को ये बताते रहता है कि मैं जल्द से जल्द रिकवर होके मैदान में वापसी करूँगा। और इसी बीच ऋषभ पंत ने एक बार फिर से अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को गुड न्यूज़ दे दी है। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले ही ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम के जरिए फैंस को बताया है कि मैं ठीक हूँ और रिकवरी पीरियड पर हूँ। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करी है जो कि जिम की स्टोरी नज़र आ रही है। लग रहा है कि वो जिम में कसरत कर रहे हैं और वहाँ पर वो बिना बैसाखी के स्ट्रेचिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। वे तस्वीरें ऐसे ही, अगर आप रेगिस्तान में आपको ठंडा ठंडा पानी मिल जाए, उनके फैंस के लिए यह तस्वीर ऐसे ही काम कर रही है, स्ट्रेचिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी आपने देखा होगा कि जब दिल्ली कैपिटल्स को सपोर्ट करने वो अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे थे, उस टाइम पे वो बैसाखी के सहारे चल रहे थे, उनके हाथ में स्टिक थी। और अभी एक अच्छी बात यह है कि अब इस वीडियो में उनके हाथ में आपको स्टिक नहीं नज़र आ रही होगी। इट मीन्स बहुत तेज़ी से हमारा स्टार, हमारा सुपर स्टार रिकवरी कर रहा है। उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम में जल्दी वापसी करें और जल्दी हमें ऋषभ पंत खेलते हुए मैदान में नजर आए। आप कमेंट्स करके बताइए और बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि ऋषभ पंत कब वापसी करेंगे। आपके हिसाब से क्या कुछ लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा।